नमस्कार दोस्तों, मैं इमो राजवाड़े। फ्रेंड्स, एक बार फिर आप सबका इस चैनल में बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है। साथियों, अडानी ग्रुप के शेयर जिस तरीके से आजकल मूवमेंट कर रहे हैं, ऐसा लगता है कि लोअर लेवल से बाइंग करें और अपर लेवल में बेच दें। बट ये फाइंड आउट करना और ये समझ पाना कि ये इसका हाई होगा और ये इसका लो होगा, ये बड़ा मुश्किल है दोस्तों। ये बॉटम से दो बार, एक बार यहाँ से 100% का रिटर्न दे चुका है और एक बार फिर आया यहाँ पर और फिर यहाँ से 100% का रिटर्न दे चुका है। साथियों, ये जितना वॉलेटाइल है ना, एफ एंड ओ में लिस्टेड कोई स्टॉक इतना वॉलेटाइल नहीं है। अभी इसका आईवी चल रहा है 100 के ऊपर, 110 आसपास आईवी इसका चल रहा है। मैं अभी इसमें कई दिनों से स्टडल और स्ट्रेंगल का ट्रेड डाला हूँ। और फ्रेंड्स, एफ एंड ओ का स्टॉक है, 10% से ज़्यादा गेप अप और गेप डाउन होगा नहीं, ठीक है? तो आप इसमें स्टडल स्ट्रेंगल देखिए, ऐसा मैं किसी को सजेशन नहीं दे रहा हूँ कि आपको भी करना चाहिए, लेकिन मैंने डाला है। और 10% गेप अप या गेप डाउन हो जाने पर भी कोई बहुत ज़्यादा लॉस नहीं होता है। क्यों? क्योंकि इतना ज़्यादा आईवी होने के कारण अगर किसी भी एक डायरेक्शन में मार्केट मूवमेंट करता है तो अपोजिट डायरेक्शन का प्रीमियम पूरा गिरता है, पूरा कवर देता है। और चूंकि ऑलरेडी आईबी बढ़ा हुआ है तो बहुत ज़्यादा इसे फर्क पड़ता नहीं है गैप डाउन का, ठीक है? मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल आपको बताता हूँ, इसके बाद इसमें मैंने एक स्ट्रेटजी बनाया है, वो मैंने टेलीग्राम चैनल में ऑलरेडी आप लोगों को शेयर किया है। और जब मैं शेयर किया दोस्तों, उस समय मैंने आप लोगों को बताया है कि बाकी डिटेल जो लॉजिक है वो मैं आपको वीडियो में शेयर कर दूंगा। तो चलिए पहले थोड़ा सा इसका एक लॉजिक आपको मैं बताता हूँ। ये है अडानी इंट, मैंने ऑलरेडी यहाँ पर लेके आया हुआ है। अब दोस्तों, मान लीजिए कि इसमें कोई स्ट्रेंगल आप बना दिए, ठीक है? सपोज करो कि 100-100 रुपये का प्रीमियम मैं सेल कर दिया, ऊपर मैं 2400 सेल कर दिया, ठीक है? नीचे की तरफ मैं 1800 सेल कर दिया, ठीक है? जो 110 का प्रीमियम दिख रहा है। इसका ग्रिक्स चेक कर लीजिए तो लोअर साइड में 115 का आईवी चल रहा है, ठीक है, इम्प्लाइड वॉलेटिलिटी। ऊपर की तरफ 111 की इम्प्लाइड वॉलेटिलिटी चल रहा है, ठीक है? डेल्टा इसका 32 है ऊपर की तरफ का, नीचे की तरफ डेल्टा क्या है, 27 है। तो डेल्टा को मैनेज करने के लिए मुझे थोड़ा ऊपर भी शॉर्ट करना चाहिए, लेकिन आप इसे भी कर दीजिए, कोई ज़्यादा फर्क पड़ेगा नहीं। अब मान लीजिए दोस्तों कि आपने स्ट्रेंगल बना के ओवरनाइट में चले गए, फिर बोल रहा हूँ, ऐसा मैं किसी को सजेशन नहीं दे रहा हूँ, लेकिन ऐसा किया जा सकता है, ठीक है? और मान लीजिए कि कल 10% गेप अप ओपन हो जाता है, 10% ज़्यादा तो गेप अप या गेप डाउन होगा नहीं, ये फंडों का स्टॉक इसके बाद भले मूवमेंट करेगा, तब तक तो ऑप्शन चलता रहेगा, आप एग्जिट कर सकते हैं, ठीक है? मैंने ऐसा किया है, मान लो कल 10% इसे मैं गेप अप करा देता हूँ, जो हो सकता है, तो लॉस होगा कितना, 2500 लॉस होगा। और दोस्तों, मुझे लगता है कि 52,000 रुपये जहाँ मिलना है, ठीक है, वहाँ 2,000 रुपये लॉस लेने के लिए तो कोई भी तैयार रहेगा ही, ठीक है? जबकि हम लोग 1:3 या 1:4 का रिस्क रिवार्ड में ट्रेड बनाते हैं, ठीक है? अब मान लीजिए दोस्तों कि ये 10% ऊपर खुल जाता है तो क्या होगा, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10%, तो 6,000 रुपये का लॉस हो सकता है। ये आपको दिखा रहा है, लेकिन ना दिन में अगर थोड़ा देर भी मार्केट रुक गया, ठीक है, चूंकि अपर सर्किट और लोअर सर्किट लगेगा तो 15 मिनट तो मार्केट रुकेगा, वहां पर एडजस्ट हो जाता है, मैनेज हो जाता है प्रीमियम, ठीक है? या मान लीजिए कि अपर सर्किट लग गया तो आप देख ही रहे हैं कि ऊपर जाने वाला है, ठीक है? जब अपर सर्किट ओपन होने वाला हो, मतलब 15 मिनट होने वाला हो, उस समय थोड़ा सा मैनेज कर लीजिए, नीचे की तरफ का फिर से कोई हायर प्रीमियम सेल कर दीजिए, तो जैसे ऊपर जाएगा 4-5% फिर जा सकता है, अपर सर्किट खुलने के बाद फिर से कितना जाएगा, 5%, ठीक है? तो आसपास का फिर से कोई प्रीमियम शॉर्ट कर दीजिए, ज़्यादा प्रीमियम कि अगर 5% ऊपर भी जाएगा तो इसे मतलब मैनेज हो जाएगा, हेज हो जाएगा। तो मैंने 2-3 बार इस टाइप का ट्रेड किया है, हालांकि प्रॉफिट नहीं मिला बट लॉस नहीं हुआ, ठीक है? ये हाई वॉलेटाइल होने के कारण, इम्प्लाइड वॉलेटिलिटी हाई होने के कारण ऐसा होता है, ठीक है? लेकिन मैं ऐसा किसी को सजेस्ट नहीं करूंगा दोस्तों कि इस टाइप का ट्रेड बनाना चाहिए, ठीक है? मैं भी अभी इस टाइप का ट्रेड नहीं बनाऊंगा। मैं बनाना चाहूंगा इसमें कोई फिक्स लॉस के साथ ट्रेड, मैं पिछले मंथ भी बनाया था इधर, ठीक है, लेकिन ये कंटिन्यू इधर नीचे गिरा ना तो मेरे ब्रेक इवन के नीचे चला गया, मुझे दो लॉट में ये प्रॉफिट दे रहा था लगभग 40,000, ओके?
और मेरा उम्मीद था कि ये लगभग 60 से 70 हज़ार रुपये दे सकता है, बट चांस नहीं मिला। ये धीरे धीरे करके नीचे आ गया और फिर जब ये 20-22 हज़ार रुपये लॉस हो गया तब मैं वहाँ पर कट किया पोजीशन को। ठीक है, तो पिछले बार मुझे प्रॉफिट नहीं मिला और मैं एक वीडियो बनाया था कि इस स्टॉक में फिक्स लॉस के साथ ट्रेड बनाना चाहिए। जब भी ऐसा सेटअप आएगा तो मैं आप लोगों को बताऊंगा। तो देखिए, अभी इसे मैं 2-3 दिन पहले से वॉच कर रहा था, जब ये लोअर लेवल से ऊपर की तरफ जा रहा था तब, लेकिन यहाँ पर 5%, 10%, 25% तक का मूवमेंट आ रहा था एवरी डे। तो मैं वेट कर रहा था कि कभी एक आध दिन इन साइड हो जाएगा। यहाँ पर 2 दिन लगभग साइडवेज में ट्रेड किया है। अब ऐसा लग रहा है कि अगर आप प्राइस वाइज देखें, जैसे भी आप निफ्टी का चार्ट देखे होंगे, राइट, मैं थोड़ा निफ्टी के चार्ट में लेके चलूँ या बैंक निफ्टी का चार्ट, जो भी देख लीजिए, कि देखिए ये बजट डे का हाई था, ऊपर गया टीका नहीं, अब नीचे आया टीका नहीं। ठीक है, तो ऊपर से नीचे आ गया क्योंकि इम्पोर्टेंट लेवल था, अब नीचे से फिर ऊपर जा रहा है। ठीक है, इसी तरीके से आप बैंक निफ्टी को देख लीजिए, तो ये बजट डे का हाई है, बजट डे का लो है, इसी रेंज में अभी ट्रेड कर रहा है। तो प्राइस किस तरीके से वर्क करता है, तो इसी तरीके से अभी अडानी इंट भी वर्क कर सकता है। ये हाई हो गया, ये लो हो गया, ये लो के आसपास आके फिर से ऊपर चला गया, ये हाई के आसपास से फिर से नीचे आना चाहिए। तो प्राइस का जो मोमेंटम है, राइट, ऊपर गया नीचे आया, अभी ऊपर जा रहा है, अभी नीचे आके अगर ऊपर जाना है तो फिर यहाँ थोड़ा रुक के फिर ऊपर चले जाएगा। एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट दोस्तों, कि हिंडनबर्ग का जो रिपोर्ट आया था अडानी ग्रुप के ऊपर, तो इसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने पैनल बैठा दिया है, जांच कमेटी बैठा दिया है, और जांच कमेटी का रिपोर्ट आएगा 2 महीना में। ठीक है, तब तक ये मुझे लगता है साइडवेज में रहेगा। ऑलरेडी एक बड़ा मूवमेंट आ चुका है, सेम डायरेक्शन में और मूवमेंट नहीं होना चाहिए, प्राइस इस तरीके से बिहेव नहीं करता है, चले जाएगा तो लॉस ले लेंगे। ठीक है, और हमारे पास अभी होल्ड करने के लिए पूरा आखिरी मंथ तक है। ठीक है, मंथ के आखिरी तक है। ओके, अगर यहाँ से नीचे आ जाता है तो हमें इधर प्रॉफिट मिलेगा, इसलिए इधर पोजिशन नहीं बनाएंगे बल्कि थोड़ा नीचे की तरफ ट्रेड बनाएंगे, और हम व्यू रखेंगे कि ये 1700, ठीक है, 1700 या 1650 की तरफ एक बार आना चाहिए। तो जब ये 1700, 1650 के आसपास आएगा वहां पर हम लोग प्रॉफिट बुकिंग कर लेंगे। ठीक है, अगर मान लीजिए कि आज ही बनाए और कल ही नीचे आ गया तब भी हमें थोड़ा बहुत प्रॉफिट मिल जाएगा। ठीक है, या मान लीजिए धीरे धीरे करके नीचे आता है, 4-5 दिनों में नीचे आता है, या फिर आज 8 तारीख है जब मैं वीडियो बना रहा हूँ, हो सकता है कि 15 तारीख के बाद आए। ठीक है, या 15 तारीख को है या 20 तारीख को है, जितना आखिरी टाइम में आएगा यहाँ पर, ठीक है, 20 तारीख के बाद आएगा तो प्रॉफिट आपको ज़्यादा अच्छा मिलेगा। अभी आ जाएगा यहाँ पर तो प्रॉफिट नहीं मिलेगा, ऊपर चले जाएगा लॉस हो जाएगा। ठीक है, तो मुझे लगता है दोस्तों कि अडानी को और ऊपर जाने के लिए एक बार नीचे आना चाहिए या फिर यहाँ पर कंसोलिडेट करना चाहिए, हमें इसी अकॉर्डिंग पोजिशन बनाना चाहिए। ओके, तो इसका आज का क्लोजिंग आया दोस्तों 2039 में। ठीक है, मेरा व्यू है कि थोड़ा नीचे आना चाहिए, तो मैं इधर का एक बेरिस 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 बटरफ्लाई, ठीक है, बेरिस बटरफ्लाई ट्रेड बनाऊंगा मैं। चलिए आप लोगों को भी आप ग्राफ दिखाता हूँ सेंसिबुल में, कि किस टाइप का ट्रेड बनाना चाहिए, कौन सा स्ट्राइक आप इसमें सेल कर सकते हैं और बाई कर सकते हैं। ऑलरेडी दोस्तों मैंने टेलीग्राम चैनल में आप लोगों को बताए हैं। ठीक है, ये तो फर्जी चैनल है ना, फिर आपको बता रहा हूँ, ये फर्जी चैनल, लगभग 6 चैनल है मेरे नाम पे फर्जी, इसमें आपको ज्वाइन नहीं करना है दोस्तों। जितने लोग टेलीग्राम चैनल में ज्वाइन नहीं है, ये वीडियो आप देख रहे हैं और टेलीग्राम चैनल में ज्वाइन नहीं है, तो आप मेरे मेन चैनल में ज्वाइन करिएगा, एमटेक स्टॉक एनालिसिस, और इस चैनल का लिंक मेरे वीडियो के सभी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो लिंक रहेगा उसे क्लिक करके ज्वाइन करिएगा। ठीक है, फर्जी चैनल मत ज्वाइन करिएगा, बहुत फर्जी चल रहे हैं, हे भगवान क्या क्या करते हैं लोग। ओके, चलिए, मैंने ऑलरेडी आप लोगों को 3:24 में ट्रेड दिया है, शायद आप लोग नहीं बना पाए होंगे, और बना लिए होंगे तो भी ठीक है, नहीं बना पाए होंगे तो कल भी आपको चांस मिल सकता है। मैंने क्या बताया है आप लोगों को, 1500 का पुट बाई करना है, 2000 का पुट बाई करना है, 1800 का पुट सेल करना है, 1700 का पुट सेल करना है। ठीक है, अभी मार्केट इधर है, 2040 के आसपास है, अभी इसे नीचे आना चाहिए, जब इधर आएगा हमें बहुत अच्छा प्रॉफिट मिलेगा। ठीक है, 1700 से 1800 के बीच में अगर इसका क्लोजिंग आता है, एक्सपायरी क्लोजिंग, तो हमें अच्छा प्रॉफिट मिलेगा। लेकिन ज़रूरी नहीं है कि एक्सपायरी के आसपास ही यहाँ पर आए, हो सकता है पहले आ जाए, अगर पहले आ जाएगा तो क्या रिस्क रिवॉर्ड अभी बनेगा, मैं आपको बताता हूँ फ्रेंड्स। इसमें रिस्क है मैक्सिमम 11,000 का, 10,800, और पाने के लिए है हमारे लिए 40,000 एक लॉट में। कैपिटल जो रिक्वायर्ड होगा दोस्तों वो 1,50,000 होगा, 1.38। ओके, तो इसकी प्रोबेबिलिटी होगा अभी 24% दिखा रहा है क्योंकि मार्केट ऊपर की तरफ है, राइट।
और जो कैपिटल इतना रिक्वायर्ड होगा, लेकिन जो यूज कैपिटल होगा दोस्तों वो 90,000 होगा। ओके, तो मुझे लगता है 1 लाख कैपिटल में ये पोजीशन बनाया जा सकता है, इसी आप बना सकते हैं। देखिए, बनाने के बहुत सारे तरीके हो सकते हैं। एक तरीका तो जो मैं अभी आप लोगों को बता रहा था, ठीक है, या जो मैंने बताया है। ओके, आप सिंपल क्या कर सकते हैं, चूंकि मार्केट ऊपर की तरफ ट्रेड कर रहा है तो मैं देख रहा हूँ कि नीचे आना चाहिए, तो ऑलरेडी हम लोग कम प्रीमियम बाई करेंगे, इसलिए हम 2,000 का प्रीमियम बाई कर रहे हैं, ठीक है। और मैं 1,900 का भी शॉर्ट नहीं कर रहा हूँ, मैं व्यू देख रहा हूँ कि अडानी नीचे आना चाहिए, 1,750 1,800 आना चाहिए, ठीक है, 1,700 आना चाहिए, इसलिए मैं नीचे की तरफ का शॉर्ट कर रहा हूँ। किसका शॉर्ट करूँ, 1,800 का शॉर्ट कर रहा हूँ, ठीक है। ये हुआ पहला स्ट्राइक। दूसरा स्ट्राइक क्या है दोस्तों, मैंने 1,700 को शॉर्ट किया है। मैंने 1,700 को शॉर्ट क्यों किया है, इसलिए दोस्तों कि देखिए, मान लीजिए कि 1,800 को भी मैं 2 लॉट शॉर्ट कर सकता था, लेकिन यहीं पर आके एक्सपायरी क्लोजिंग देगा, इसकी संभावना कम होता है, जबकि इस रेंज में क्लोजिंग दे दे, इसकी संभावना थोड़ा ज्यादा हो जाएगा, ठीक है। इसलिए मैंने थोड़ा रेंज रखा है कि इस रेंज में कहीं भी क्लोजिंग आ जाएगा, मुझे प्रॉफिट अच्छा मिल जाएगा, मतलब जो भी ट्रेड बनाएंगे उनको प्रॉफिट अच्छा मिल जाएगा। और नीचे की तरफ मैंने जो बाई किया है दोस्तों, थोड़ा रेंज मैंने बड़ा रखा है, ठीक है, मैंने 1,500 का बाई किया है। तो ये आपका रिस्क रिवॉर्ड अभी आपको दिखेगा, ये रिस्क रिवॉर्ड आपका बनेगा जो मैंने आप लोगों को ऑलरेडी शेयर किया है, ठीक है। तो अगर आप दोस्तों ये लॉस लेने के लिए तैयार हैं, तब आप ये ट्रेड बनाइएगा, ठीक है। हो सकता है कि अभी मार्केट थोड़ा ऊपर चले जाए तो आपको स्टार्टिंग में ही लॉस दिखे, ठीक है, लेकिन जब भी मार्केट नीचे आएगा आपको एक अच्छा प्रॉफिट इसमें मिल सकता है। ओके, तो अगर आप लॉस ले सकते हैं तो ये ट्रेड बनाइए, क्योंकि इसमें 39,000 पाने का है, तो 10,000 के सामने अगर इसमें दोस्तों मान लो 18,000 मिलता है या 20,000 जब भी मिलने लगे, हम प्रॉफिट बुकिंग कर लेंगे, ठीक है। अब फ्रेंड्स, मान लीजिए कि आज ट्रेड बनाए और कल ही मार्केट नीचे आ गया, या कल आप बनाए और कल ही मार्केट नीचे आ गया, और आ सकता है, सपोज करो कि कल ही ये 1,800 आ जाता है या 1,700 आ जाता है, तो क्या होगा, 1,800 आता है तब भी आपको प्रॉफिट मिल जाएगा, राइट। तो कल ही आ जाएगा तो हम लोग होल्ड कर लेंगे, पोजिशन को वेट कर लेंगे, ठीक है, मतलब 10,000 देने के लिए तैयार हैं दोस्तों। तो जब तक इसमें कम से कम 10,000 आ जाए, ठीक है, तब सोचें थोड़ा बुक करने के लिए, या टाइम देखेंगे कि हो सकता है कि भाई एक्सपायरी के आसपास आ रहा है, ठीक है, और मोमेंटम बहुत फास्ट है तो वहां पर बुक कर लेंगे। लेकिन अगर मोमेंटम स्लो है, ठीक है, जैसे भी 2 दिन से देख रहे हैं थोड़ा सा रेंज बाउंड ट्रेड करते हुए नजर आ रहा है, अगर इसी टाइप से ट्रेड करते हुए नीचे आएगा तो होल्ड कर लेंगे ट्रेड को, राइट, क्योंकि नीचे आएगा ऑलरेडी हम लोग प्रॉफिट मिलेंगे। देखिए, हमें इस पॉइंट से प्रॉफिट मिलना शुरू हो जाएगा, मतलब 1,950 के नीचे आते ही हमें प्रॉफिट मिलना शुरू हो जाएगा, ठीक है, और अपर और नीचे की तरफ 1,550 तक हमें प्रॉफिट मिल जाएगा। मुझे लगता है कि एक बार इस रेंज की तरफ आना चाहिए प्राइस को, ठीक है, तो हमें एक अच्छा प्रॉफिट मिल सकता है। फ्रेंड्स, ये हुआ एक लॉजिक ट्रेड बनाने का। देखिए, अगर आप थोड़ा लॉस ले सकते हैं, ठीक है, स्टार्टिंग में ही अगर आप थोड़ा लॉस ज्यादा ले सकते हैं, तो एक लॉजिक और बनेगा, स्टार्टिंग में ही बटरफ्लाई न बनाए, एक ट्रेड और बन सकता है, लेकिन यही ट्रेड मैं बनाया हूँ, ठीक है, एक ट्रेड और बन सकता है, वो क्या कि 2,000 का आप पुट बाई कर लीजिए, ठीक है, और मार्केट को जाना कहाँ है, 1,700 की तरफ जाना है, ठीक है, तो आप 1,800 का पुट सेल कर दीजिए। इसमें क्या होगा कि लॉस जो दिखाएगा वो 20,000 दिखाएगा, ठीक है, अगर मार्केट ऊपर ही रह जाता है तो 20,000 दिखाएगा। मैं ऐसा क्यों बता रहा हूँ, ध्यान से समझिए, ठीक है। जब मान लीजिए कि ऊपर रहा तो ये लॉस तो आपके पास फिक्स है, ये लॉस हो जाएगा, पाने के लिए कितना है 29,000, खोने के लिए कितना है 20,000, तो हो सकता है कि आपको रिस्क रिवॉर्ड न जचे, और इसलिए मैं ऐसा नहीं बनाता हूँ, लेकिन लोग इस तरीके से ट्रेड बनाते हैं इसमें, ठीक है। फिर क्या करें दोस्तों, जब मान लीजिए कि मार्केट यहाँ पर आ गया, तो यहाँ पर इसे क्या करना है, बुक नहीं करना है, सपोज करो दोस्तों कि कल ही नीचे आ जाता है, ठीक है, कल ही नीचे आ जाता है, ट्रेड बनाए और 1,800 रुपया आ जाता है, तो प्रॉफिट आपका 7,000 दिखेगा, क्योंकि भाई आप 20,000 लेने के लिए तैयार हो, इसलिए आपको 7,000 मिल रहा है, या जो बनाएंगे उनको 7,000 मिलेगा। तो जब नीचे आए उस समय इसे बुक नहीं करना है, बल्कि क्या करना है, 1,700 का दोबारा सेल कर देना चाहिए और फिर 1,500 का बाई कर लेना चाहिए, ठीक है। तो इसमें क्या होगा पता है कि आपको हायर प्रीमियम मिलेगा, ये हायर प्रीमियम मिलेगा, जो अभी आपको 82 दिख रहा है 82 नहीं रहेगा, हायर प्रीमियम मिलेगा, ऑलमोस्ट 100 या 130 रहेगा यहाँ पर मिलेगा। हाँ, हालांकि ये भी आपको थोड़ा महंगा मिलेगा, हो सकता है 60 या 70 के आसपास मिले, ओके, लेकिन जो ये
चार्ट बनेगा या एक पे आप ग्राफ बनेगा, ये आपका ज्यादा रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पर प्रॉफिट 50,000 हो जाएगा और जो लॉस हुआ ये लॉस कम हो जाएगा या इसी आसपास रहेगा, फिर भी मुझे लगता है लॉस कम रहेगा। ठीक है, तो इस टाइप का भी ट्रेड बना सकते हो। तो जितने लोग ये ट्रेड बना सकते हैं आप ऐसा ही बना सकते हैं, लेकिन मैं ये बनाया हूँ, पहले ही बना दिया हूँ, क्योंकि मैं इंडेक्स में ट्रेड करते रहता हूँ, तो इतना ज़्यादा मैनेज करने का पूरा दिमाग इधर लग जाएगा, तो थोड़ा सा मैं नहीं कर पाऊंगा, इसलिए मैंने इस ट्रेड को नहीं बनाया हूँ, लेकिन इस टाइप का भी ट्रेड बनाया जा सकता है। तो दोस्तों ये हुआ अडानी के ऊपर मेरा व्यू और स्ट्रेटजी। आशा करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा। आप इस टाइप का ट्रेड बना सकते हैं, अडानी पोर्ट्स में भी कर सकते हैं, लेकिन अडानी पोर्ट्स में उतना वॉलेटिलिटी नहीं है। ठीक है, या कहाँ है अडानी पोर्ट्स का चार्ट, ये है अडानी पोर्ट्स, और अडानी पोर्ट्स कंटिन्यू ऊपर की तरफ जा रहा है, तो थोड़ा सा मुझे लगता है अभी ऊपर से जाके नीचे आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर जाके फिर नीचे आ जाएगा इधर, और फिर इधर से धीरे धीरे करके वापस जाएगा। देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने जो पैनल बनाया है, वो पैनल का रिपोर्ट आने के बाद अगर रिपोर्ट पॉजिटिव आता है तो अडानी जिधर था ना उधर चला जाएगा, लेकिन अगर रिपोर्ट जरा सा भी नेगेटिव आता है तो या तो इधर ही रहेगा, या फिर जहां नीचे आया था इधर का भाव फिर देखोगे। तो सुप्रीम कोर्ट का जो पैनल है उसका रिपोर्ट क्या आता है, 2 महीना आप इंतजार करिए, इसके बाद अडानी को देखेंगे कि अडानी किधर जा रहा है। नेगेटिव हुआ, अगर रिपोर्ट में नेगेटिविटी आया, जरा सा भी नेगेटिविटी आया, तो अडानी ना फिर से 25% 30% का सर्किट मारने वाला है। ठीक है, तो देखते हैं रिपोर्ट क्या आता है, मे भी अच्छा है। अच्छा इसलिए आना चाहिए क्योंकि ऐसा नहीं कि अडानी में मेरे पास कोई होल्डिंग है या हमारे पास होल्डिंग है। ठीक है, लेकिन दोस्तों मार्केट के लिए अच्छा होगा। ठीक है, अडानी ग्रुप के लिए तो अच्छा होगा ही होगा, मार्केट के लिए अच्छा होगा। ठीक है, क्योंकि मार्केट में कोई भी नेगेटिविटी इस तरीके से आते हैं तो पूरा इकोसिस्टम खराब होता है। इकोसिस्टम अच्छा होना चाहिए। ठीक है, तो इसमें लोगों का बिलीफ बढ़ता है, भरोसा बढ़ता है, और इस टाइप का जो शॉर्ट सेलर हिडनबर्ग का जो रिपोर्ट आया, ऐसे लोगों का हौसला थोड़ा पस्त होगा। अदरवाइज क्या पता कल टाटा के ऊपर आ जाए, हो सकता है कल इंफोसिस के ऊपर आ जाए, हो सकता है कल के रिलायंस के ऊपर आ जाए। तो अगर एक ग्रुप के ऊपर अगर इस टाइप का चीज़ें होती हैं, ठीक है, और वो रिपोर्ट सही हो जाते हैं, तो इनके हौसला बुलंद होंगे और जो निवेशक हैं उनका हौसला टूटेगा, और फिर मार्केट को भी नीचे जाने का बहाना बन जाएगा। आई होप दोस्तों ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। स्ट्रेटजी चाहें आप लॉस ले सकते हैं तो स्ट्रेटजी बना सकते हैं, और मैंने तो ऑलरेडी ट्रेड बनाया हुआ है, देखते हैं क्या ट्रेड मिलता है, क्या प्रॉफिट मिलता है। तो फ्रेंड्स आशा करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कमेंट और चैनल सब्सक्राइब करके दोस्तों को शेयर जरूर कर लीजिएगा, बेल आइकन बटन प्रेस कर लीजिएगा, और ऑल नोटिफिकेशन ऑन करना बिल्कुल मत भूलिएगा, ताकि जब भी वीडियो डालूँ नोटिफिकेशन आप लोगों को पहले मिल जाए। और हाँ, टेलीग्राम चैनल में ज्वाइन हो रहे हैं तो आप जेन्यून चैनल में ज्वाइन हो जाइएगा दोस्तों, जो फर्जी चैनल हैं उसे थोड़ा चेक कर लीजिएगा कि यहाँ पर मेरे ही मैसेज जा रहे हैं कि नहीं जा रहे हैं, इसके बाद आप ज्वाइन करिएगा। ओके, और गलती से ज्वाइन कर लिए हैं तो वहाँ से जितना जल्दी हो उतना जल्दी आप निकल जाइए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, नमस्कार, जय हिंद।